हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हे त्रिलोकीनाथ, आपके परम भक्त प्रहलाद के पौत्र बलि के हृदय में और मस्तिष्क पर शुक्राचार्य ने देवताओं के प्रति अपने द्वेष की ऐसी छाप लगा दी है कि वो भक्ति के प्रकाश से दूर होकर अज्ञान के अंधकार में फिर से अपनी आसुरी प्रवृत्तियों की ओर झुक गया है। वो फिर से स्वर्ग लोक पर आक्रमण करने जा रहा है। प्रभु, प्रणाम। प्रभु, क्या बात है देवी? बड़ी चिंताग्रस्त दिखाई दे रही है। हे परमात्मा, मैं केवल चिंतित नहीं हूँ, व्यथित भी हूँ। असुरों के प्रति मेरा सारा वात्सल्य, सारा हित व्यर्थ जाता है। आप ही की प्रेरणा और आशीर्वाद से, प्रहलाद के माध्यम से मैंने असुर कुल में भक्ति की ज्योत जलाई, परंतु उसका प्रभाव केवल दो पीढ़ी तक ही सीमित दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों गंगे? हे त्रिलोकीनाथ, आपके परम भक्त प्रहलाद के पौत्र बलि के हृदय में और मस्तिष्क पर शुक्राचार्य ने देवताओं के प्रति अपने द्वेष की ऐसी छाप लगा दी है कि वो भक्ति के प्रकाश से दूर होकर अज्ञान के अंधकार में फिर से अपनी आसुरी प्रवृत्तियों की ओर झुक गया है। वो फिर से स्वर्ग लोक पर आक्रमण करने जा रहा है। प्रभु, देवी, ये तो जगत का क्रम है। विनाश और विकास तो सदा किसी न किसी रूप में होता ही रहता है और होता ही रहेगा। प्रकृति का नियम अटल है कंके। बलि जो कर रहा है वो अपनी प्रकृति के अनुसार ही कर रहा है। इस आक्रमण के परिणाम में बलि को अपने बल के विकास की अनुभूति और उस अनुभूति में छुपा हुआ उसके अहम का बोध और यही अहंकार उसके विनाश का कारण होगा। ये आक्रमण नहीं होगा तो विधि का विधान पूरा नहीं होगा गंगे। परंतु प्रभु, एक बलि के अहम के विनाश के लिए युद्ध, इतना संहार क्यों? देवी, सृजन और संहार ही तो प्रकृति है। इसी द्वंद में रहकर ही ये विकसित होती है। भगवान, ये विकास नहीं, विकार है। उत्पन्न होने के बाद यह प्रत्येक पदार्थ, जीव विकृत होने लगता है। इतना विकृत हो जाता है कि उसके सुधार हेतु आपको समय समय पर अवतार लेना पड़ता है। सत्य कह रही हो देवी, यही विधान है। जो चिंता और व्यथा तुम्हें दुखी कर रही है वो ही आगे चलकर सृष्टि का विकास करने वाली है, और असुरों द्वारा विकृत की जाने वाली सृष्टि का सुधार करने के लिए मुझे, हाँ गंगे, स्वयं मुझे अवतार लेना ही पड़ेगा। आप धन्य हैं प्रभु, आप धन्य हैं।